हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का मेरे नए व्लॉग में। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हैं एजे व्लॉग्स। दोस्तों, शायद आप लोग को लग रहा हो कि मैं कहीं और हूं, बट नहीं, ये मेरा ही रूम है। कलर होने के बाद थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाई थी तो ये पूरी तरह कलर नहीं हुआ था, बट अब पूरा कम्प्लीट हो चुका है। मैं आप लोगों को अपनी रूम की वीडियो दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको दिखाया था तो ये बस येलो तरफ यहाँ पे कम्प्लीट हुआ था और इधर वाला बाकी था, बट अब पूरा कम्प्लीट हो चुका है तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। दोस्तों, ये रहा मेरा बेड, एकदम सिंपल सिंपल सा है। मैं ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं करता हूँ। और दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं भी घूमने जाते हो और होटल में जाते हो, कोई भी 5 स्टार होटल में रहते हो, तो बट जो मज़ा आपका अपने बेड का है वो मज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मुझे अपना बेड काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे इस पर नींद बहुत अच्छी आती है। ये है भाई साहब कूलर। अभी तो इनकी ज़रूरत नहीं है, बट ठंड गर्मी में इनके बिना रहा भी नहीं जाता है, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इस तरफ लगी हुई है LCD, जिस पे मैं हमेशा सॉन्ग सुनता रहता हूँ, बस और कुछ नहीं। मुझे सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, जैसे कि ये सॉन्ग चल रहा था, सुनिए आप लोग भी। और इस तरफ है ये रिंग लाइट ट्राइपॉड, जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया था। कभी कभी मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ रील्स बनाने में, ज़्यादा यूज़ नहीं आता है मुझे ये। और इस तरफ लगा हुआ है मेरे रूम में एक मिरर, और 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अरे भाई साहब, ये कौन है? ओ, मैं हूँ क्या? हाँ, मेरे रूम में मेरे अलावा और हो भी कौन सकता है? आफ्टर ऑल, ये रूम मेरा ही है। तो दोस्तों, ये तो था मेरे रूम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं बाकी के घर के लोग क्या कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, नीचे जाने से पहले आप लोग को जरा अपना गार्डन दिखा देता हूँ, क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तब ये जगह कलर नहीं हुई हुई थी और पौधे भी अलग अलग जगह इधर उधर बिखरे पड़े थे। तो अभी सब कुछ एकदम ठीक है, कलर वॉल कंप्लीट हो गया है कलर इसका, और पौधे भी अपनी अपनी जगह पे एकदम बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए ज़रा आप लोग, ये थोड़ा गार्डन, और जो वॉल का कलर है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, फूलों के साथ मैच कर रहा है। मैं आया हूँ नीचे और मम्मी ने डाल दी है रोटी। आज बनी है दाल रोटी और खीरा और प्याज। दाल में मुझे धनिया पत्ता और टमाटर एकदम पसंद नहीं आता है, बट फिर भी मम्मी डाल देती है। मैं कितनी बार मना करता हूँ, फिर भी मम्मी डाल देती है। पर अब जो है बना है वो तो खाना ही पड़ेगा, तो चलिए खाते हैं इसको। दोस्तों, मैंने कर लिया अपना लंच कंप्लीट। वक्त हो गया अब 3:50। वैसे तो डेली मैं 2 बजे 2:30 बजे अपना लंच कंप्लीट कर लेता हूँ, बट आज मंडे है तो इसलिए पूरा शेड्यूल चेंज हो गया। गुड्डा 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 बहुत शांत है आज। आज इसको पोलियो का थर्ड टीका लगा है। इंजेक्शन लगने के बाद बेचारी एकदम सी शांत हो गई है। चाचू से खेल भी नहीं रही है। बाबू खेलो खेलो, चाचू आए हैं चाचू। अरे मोबाइल देखते एकदम शांत हो जाती है बाबू, एकदम शांत हो गई। फैन नहीं चल रहा है, फैन नहीं चल रहा है, ठंड आ गई ना। अब फैन नहीं चलेगा, अभी ठंड लगेगी ना बाबू को। हाँ एकदम। अब बन रही है चाय, क्योंकि वक्त हो गया शाम का 4:30। और इसमें अभी चाय पत्ती दूध पानी तो पड़ चुका है हमारा, अब ये साथ में पड़ रहा है अदरक, वो भी एकदम नए तरीके से घस घस के। वाह, लगता है आज की चाय बहुत अच्छी बनेगी। तो कोमल डाल रही है अदरक घस घस के, देखते हैं चाय बन के कैसा टेस्ट होता है आज इसका। क्योंकि तो आज हमने इसमें डाली है ताजमहल टी, जो कि मैंने आज मार्केट से परचेस की है। इतनी महंगी चाय डालने के बाद भी देखते हैं क्या इसका टेस्ट आता है। तो बन के हो गई हमारी रेडी चाय, चाय बन के तैयार है, और साथ में है मम्मी है पापा हैं, और हम भी बैठ के चाय पी रहे हैं। लिट्टी बहुत स्वाद है भाई, एकदम बढ़िया बनाया। कोमल बनाई लिट्टी ना? कोमल बनाया लिट्टी। लिट्टी तो बहुत अच्छा बना है, मगर ये ताजमहल चाय का जो चाय बना है वो नॉर्मल चाय जैसा स्वाद है। दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है महंगी चाय लेने का, नॉर्मल सी चाय लीजिए और अच्छी तरीके से बनाइए। मैं रेडी होके गया हुआ था मार्केट फ्रेंड लोग से मिलने। जब हम लोग भागलपुर से आए हैं उसके बाद एक बार भी मिल नहीं पाए हैं,
तो आज मिले हैं काफी दिन के बाद, तो कुछ नाश्ता पानी और चाय ये सब मार्केट में चला है। उसके बाद मैं आ गया हूँ घर वापस, क्योंकि बाहर काफी ठंड है और वक्त भी हो गया है, 8 बज चुके हैं। तो अब मैं कुछ देर कर लेता हूँ रेस्ट, फिर 1 घंटे के बाद डिनर का वक्त हो जाएगा, तो सब साथ बैठ के डिनर भी करेंगे। तो मैं आ गया हूँ नीचे और डिनर में बना है पालक पनीर की सब्जी और साथ में रोटी। मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है, मैं एकदम खुश होके खाता हूँ ये पालक पनीर की सब्जी। तो मैं तो फिलहाल अभी डिनर करने वाला हूँ और बाकी सब देख रहे हैं टीवी। तो फिलहाल मैं डिनर करके जल्दी जल्दी जाता हूँ, फिर मैं भी सीरियल देखता हूँ। मैंने कर लिया अपना डिनर कंप्लीट और यहाँ सब देख रहे हैं अनुपमा सीरियल। दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ अपने रूम में सोने के लिए, क्योंकि अनुपमा सीरियल अब समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।